सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है यामाहा R15S वर्जन 3 के बारे में। बाइक से रिलेटेड सारे डाउट्स आज के वीडियो से आप लोगों के क्लियर हो जाने वाले हैं। टोटल दो ही कलर ऑप्शन में बाइक अवेलेबल रहती है और आज अपने पास दोनों ही कलर अवेलेबल हैं, ये रहा रेसिंग ब्लू एंड मैट ब्लैक। दोनों ही कलर ऑप्शन में आप लोगों को अलॉयज ग्लॉसी ब्लैक ही मिलेगा और फ्रंट मडगार्ड भी मैट ब्लैक कलर टोन में ही रहने वाला है। अब ब्लू के साथ ये चीज़ जेलअप इतना अच्छा नहीं हो रहा जितना ये ना मैट ब्लैक वाले के साथ जेलअप हो जाता है। अगर ब्लू कलर ले रहे हो तो आफ्टर मार्केट से इसको अच्छी जगह से इसको पेंट भी आप लोग सेम शेड करवा सकते हो, जैसे कि ब्लू फ्रंट से भी ऐड और एक्स्ट्रा हो जाएगा। प्राइसिंग की बात करते हैं तो ऑन रोड जयपुर बाइक आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है 2.05, 2,05,000 ऑन रोड जयपुर अपनी प्राइसिंग रहेगी V3S की। फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट में इग्निशन इस बाइक में ऑन है, सो यहाँ पे अपना हेडलैम्प सेटअप ऑन रहेगा जो कि कंपार्टमेंट साइड वाला रहने वाला है। ये LED DRL नहीं है, ये हेडलैम्प का एक कंपार्टमेंट आपका ऑन रहने वाला है इग्निशन के साथ। सेंटर में आ जाता है फेक एयरविंड वाला लुक, ये अंदर से कवर्ड है, ये वर्किंग अपना नहीं है। हेडलैम्प का थ्रू और एग्जॉस्ट नोट वीडियो में आगे चल के आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। R15S का एक स्टिकर आ जाता है फ्रंट में। स्टिकरिंग दोनों ही कलर्स में आप लोगों को सेम ही मिलेगी, बट स्टिकरिंग का कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। VBA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, ABS R15S वर्जन 3 और यामा की ब्रांडिंग, सेम यही R15S ब्लैक में भी आप लोगों को मिलने वाला है। फ्रंट में देखते हैं तो फ्रंट में यहाँ पर प्लस जाता है विंडस्क्रीन, सेमी डार्क में नंबर प्लेट का होल्डर, रियर व्यू मिरर जो कि फोल्डेबल रहेगा। अभी ये प्रॉपर फोल्डेड है और आफ्टर मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोगों को रियर व्यू मिरर के भी और विंडस्क्रीन के भी रहते ही हैं। ये हो जाता है अपना मैट ब्लैक वाला कलर ऑप्शन। आज अपन लोग मेजरली कवर करेंगे रेसिंग ब्लू ही, क्योंकि ब्लैक का पर्टिकुलर सिंगल एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। R15 सीरीज की बात करते हैं तो टोटल 3 बाइक्स में R15 सीरीज डिवाइडेड रहता है। बेस वेरिएंट हो जाता है अपना V3S, टॉप एंड वेरिएंट R15M सिल्वर और मॉन्स्टर एनर्जी M में अवेलेबल रहेगा, और V4 ये रहा अपना जो कि रहता है मिड वेरिएंट, यहां पे मैट ब्लैक कुछ इस टाइप से अपना आता है V4 में। साइड प्रोफाइल देखते हैं तो एक प्रॉपर है, यहाँ पे फुली फेयर्ड लुक मिल जाता है। स्टिकरिंग ये आप लोग देख सकते हो सिंगल फ्रेम में दोनों ही कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। फ्रंट मडगार्ड कुछ आपका इस टाइप से है। फ्रंट टायर की ग्रेडिंग यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है 100 सेक्शन का टायर, MRF ट्यूबलेस, पैटर्न अपना कुछ इस टाइप से है। ब्रेकिंग सेटअप देखते हैं तो ड्यूल चैनल ABS के साथ बाइक अवेलेबल रहेगा। फ्रंट रहेगा अपना वाइब्री, रियर ब्रेकिंग अपना रहेगा निसिन का। टायर की ग्रेडिंग, ग्रेडिंग 180/17 की अपनी रहेगी फ्रंट टायर की ग्रेडिंग। ग्लॉसी ब्लैक अलॉयज, अलॉयज का शेप कुछ आपका इस टाइप से अपना बन जाने वाला है, और एक्स्ट्रा पे करके अलॉयज भी आप लोग परचेज कर सकते हो। अगर ब्लू ले रहे हो तो ब्लू अलॉयज भी इस पर अच्छा जेलअप हो जाने वाला है। सीट हाइट टोटल 815 mm, 815 mm की टोटल सीट हाइट है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी टोटल यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा 11 लीटर्स का। इस टाइप से कुछ लेआउट रहेगा, E20 का स्टिकर, वार्निंग स्टिकर, फ्यूल कैप, की होल पे कवरिंग, फिंस वाला पार्ट आ जाता है R15S, यामा का जेल वाला एक प्रॉपर लोगो फाइबर कवरिंग यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है 11 लीटर। स्विचेस और MID पर हम लोग आगे चल के आते हैं। सीट का पैटर्न इस टाइप से है, V4 में मिल जाता है स्प्लिट सीट, V3 में मिलता है सिंगल सीट, जिसकी वजह से एग्रेसिव काफ़ी ज़्यादा ये बाइक हो जाती है एज़ कम्पेयर टू V4। स्ट्रैप मिल जाता है पिलियन के लिए, स्टिकरिंग का छोटा पार्ट है, रियर एक जो फेयरिंग है ये प्रॉपर अपना हुआ एयर वेंट का भी काम करने वाली है, और इग्निशन के साथ इस टाइप से कुछ टेल लैंप अपना ऑन रहेगा। हेलोजन में लाइटिंग सेटअप रियर का कंप्लीट हो जाता है। हेडलैम्प आपको मिलता है LED में। नंबर प्लेट का बल्ब भी हेलोजन में ही है। टेल टाइडी कुछ इस टाइप से है, आफ्टर मार्केट यूनिवर्सल वाले काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। रियर टायर पैटर्न कुछ इस टाइप से है, ड्यूल में टायर हगर है फ्रंट पार्ट और रियर पार्ट, रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है। सभी वेरियंट्स में भी ये सेम ही अपना रहने वाला है। रियर टायर की ग्रेडिंग है 140/70/17 सेक्शन रियर है, 100 सेक्शन अपना फ्रंट था। निसिन कैलिपर यहाँ से आप लोग देख सकते हो, 220 mm का डिस्क रियर में मिल जाता है, 220 फ्रंट था, 282 रियर है अपना, 220। इस टाइप से कुछ लुक अपना बनेगा ब्लैक वाले का। एग्जॉस्ट देखते हैं तो एग्जॉस्ट पे हीट शील्ड आ जाता है फाइबर में, काफ़ी अच्छा एरिया ये कवर कर रहा है। टिप भी आपका फाइबर में ही है। फुटपैक पे कोई भी रबर कवरिंग अवेलेबल नहीं है। इंजन की बात कर लेते हैं तो एक तो इंजन इस टाइप से कुछ विजिबल अपना रहेगा फुली फेड लुक के बाद। ऑयल चेंज के लिए सेपरेट नोजल और विंडो मिल जाता है, जिससे कि ये पार्ट आपका बार बार ओपन ना हो, और एरिया भी है ना ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा कवर कर रहा है। सो 155 cc का लिक्विड कोल्ड SOC 4 वाल्व इंजन यहाँ पे मिल जाता है, 18.4 PS का पीक पावर है और 14.2 Nm का टोटल आपका टॉर्क रहेगा 6-speed गेयरबॉक्स के साथ। बाइक का टोटल वेट 141 kg। सेम R15 सीरीज में सेम ही इंजन रहता है, सेम ही ब्रेकिंग रहती है, ये चीज़ आपका सेम है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप आपको मिलता है V3 में। रेडिएटर का साइज़ ये आप लोग देख सकते हो, ये चीज़ रेडिएटर सेम रहेगा बट सस्पेंशन सिर्फ टेलीस्कोपिक आपको मिलेगा V3 में ही, बाकी V4 में भी और M में भी यहाँ पे USD हो जाता है, और M में मिलता है KYB का USD।
इस टाइप से कुछ हैंडल बार का लेआउट है, क्लिप ऑन हैंडल बार है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव सिटिंग पोस्चर यहाँ पे हो जाता है एज कम्पेयर टू V4 और M, क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एक वीडियो में डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, R15 V3 वर्सेज V4 वर्सेज M, वो वीडियो ज़रूर से चेकआउट करना। स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पर लोगों को मिल जाने वाला है रबर कवरिंग के साथ, स्विचेज हाई बीम लो बीम प्लस पास इंडिकेटर। इस टाइप से ड्यूल बजर में काफ़ी लाउड हॉर्न है। राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर बार एंड आपको यहाँ पे मिलेगा फाइबर में। सो इस टाइप से कुछ ये अपना लेआउट है। राइडर POV कुछ आपका इस टाइप से बन जाता है। ब्लू शेड जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सेम शेड आपको MT में भी मिलता है, एरोक्स में भी मिलता है और R15 V4 में भी ये वाला शेड मिल जाने वाला है। MID देख लेते हैं। सो MID का स्टार्टअप कुछ आपका इस टाइप से है। हाई बडी गियर इंडिकेटर मिल जाता है। टैकोमीटर यानी कि RPM मीटर यहाँ पे शो हो रहा है। ट्रिप F अभी आ रहा है। स्पीडोमीटर ये अपना फ्यूल गेज और यामा की ब्रांडिंग, दोनों ही साइड सारी बॉन्डिंग लाइट्स आ जाती है। चेंजेस करके देखते हैं तो ये आ जाता है अपना क्लॉक, 100 किलोमीटर पर बाइक ने कितना फ्यूल कंज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग एवरेज और रियल टाइम एवरेज। ओडोमीटर ट्रिप 1 ट्रिप 2 ट्रिप F। सो यही सारी डिटेल आप लोगों को मिलेगा MID में V3S में। आप कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट और सुनते हैं एग्जॉस्ट नोट। तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्टार्टअप यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। हेडलैम्प ऑन होने के बाद लुक अपना कुछ इस टाइप से बनेगा। सो इस टाइप से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्टार्टअप भी रहता है, प्लस एग्जॉस्ट साउंड भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाने वाला है। सो ये हो जाता है अपना वीडियो कंप्लीट। डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेकआउट करना V3 का डिटेल्ड राइड रिव्यू, R15 सीरीज़ का कंपैरिजन। जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसी दिन वो वीडियो रात को 9 बजे अपलोड होने वाला है, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद वो वीडियो लाइव अपने चैनल पर हो जाने वाला है। सो करते अपना ये वाला वीडियो एंड और मिलते अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। कौन सा कलर ऑप्शन आप लोगों को पसंद है वो चीज़ ज़रूर से कमेंट में मेंशन करना है। टेक केयर, बाय बाय।